इस ऐसे में ना ऑफ एम्बिशन जो आपका नेक्स्ट ऐसे, इसमें जब आप नोट्स खोलेंगे ना, दो हैं, दो आ रहे हैं ऑफ एम्बिशन बाय फ्रांसिस बेकन। ये जो ये वाला जो आपको इटैलिक्स में मिलेगा ना, ये एक्चुअली इसका टेक्स्ट है, ठीक है, ऑफ एम्बिशन का टेक्स्ट है और उसको इजी वे में लिखा हुआ है। इसको बेटा आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसको आप आराम से खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारा टेक्स्ट है और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, समझ आ गई ना। मैं आपको सिर्फ इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करवा रही हूँ, ठीक हो गया, ताकि आप लोग टेक्स्ट भी पढ़ लें और आप लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो मैं इसलिए आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। और ये सारा जब आप खोलेंगे मेरे नोट्स तो आपको ये सारा, ये देखें ना, सारे ये पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर जो है एक्सप्लेनेशन हुई हुई है, और इन्हीं पॉइंट को ऑफ एम्बिशन को हम अब पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए ये आपका आ गया ऐसे, ऑफ एम्बिशन बाय फ्रांसिस बेकन। यहाँ पे देखें, इन मेडिवल टाइम्स ऑफ एम्बिशन की बात करते हैं। एम्बिशन किसे कहते हैं? हमारा अजम, हमारी जिंदगी के एम्स, एम्बिशंस। एम्बिशंस के बारे में बेटा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमारी जिंदगी के बहुत सारे एम्बिशन होते हैं और हमें खुद पता नहीं होता ये हमारे फर्दर आगे लाइफ में जाके हमारे हक में बेहतर होंगे भी कि नहीं होंगे। मैं अपने छोटे से एम्बिशन के बारे में आपको बताती हूँ कि मैं जब फोर्थ क्लास में थी ना, मैं अपने नाम के साथ लिखा करती थी डॉक्टर आसम, ठीक है, हर जगह मैंने ना डॉक्टर आसम लिखा होता था। दूसरा मेरी लाइफ का एम्बिशन पता क्या था? मैं हर जगह एक शेर लिख देती थी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खास किया करता, ठीक है, और इस तरह के बड़ी मोटिवेशनल कोर्स ना जगह जगह लिखती रहती। ये बहुत छोटी उम्र की बात है, जब मैं टेंथ में थी कोर्स पढ़ा करती थी, ऐसी मोटिवेशनल कोर्स पढ़ा करती थी। तो जिंदगी के दो ही एम्बिशन थे, एक तो अपने आप को पॉजिटिव रखना और खुश रखना, और ये इंसान खुद कर सकता है, अपना बेस्ट फ्रेंड बनना, और दूसरा जो है ना डॉक्टर बनना। अच्छा, क्या हुआ कि एक बंदे का, बंदे के एम्बिशंस होते हैं, उसके इरादे होते हैं, एक अल्लाह की प्लानिंग होती है। अल्लाह की प्लानिंग बंदे की प्लानिंग से कहीं आगे। हुआ क्या, सेकंड ईयर में शादी हुई, ठीक है, जब सेकंड ईयर में शादी हुई तो पता चला, बल्कि नाइन्थ में निकाह हो गया, सॉरी नाइन्थ में निकाह हुआ, मैं कह लो भाई अब बन गए डॉक्टर, ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरे ससुराल वालों ने कहा था नहीं नहीं हम डॉक्टर बना देंगे, ये वो, जब उन्होंने मंगनी शंगनी करनी होती फिर तो यही कहते ना, लेकिन जब वो शादी होने वाली थी तो पता चला नहीं कि अब डॉक्टर भी नहीं बनना। तो बहरहाल ये कि मैंने अपने इरादों को अल्लाह के इरादों में कुर्बान कर दिया, मैंने कहा नहीं, जो मेरे अल्लाह ने फैसला मेरी जिंदगी का किया ना वो बेस्ट है। आज अगर मैं एक बात करूं तो आपको बड़ी अजीब सी लगेगी कि आज अगर मैं डॉक्टर होती ना तो जो इतने सारे काम कर रही हूँ ना वो नहीं कर सकती, ना बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती थी, मेरे बच्चे मेड्स के हवाले होते, ठीक है, ना मैं इस तरह से जैसे अब इतने सारे चैरिटी बेस्ड वर्क हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, इतने सारे स्टूडेंट्स, मतलब कहाँ दुनिया में मुझे स्टूडेंट नहीं जानता, चाहे वो फॉरेन है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो कहीं पे भी है, तो वो अल्लाह ताला ने ना मुझसे और बड़ा काम करवाना था, इसलिए अल्लाह ने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया, ठीक है, अदरवाइज मेरी किस्मत में अगर डॉक्टर बनना होता तो मैंने बन जाना था, मेरा एम्बिशन पूरा होना था। तो बेटा एम्बिशन अच्छी बात है, पैशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जस्ट वन थिंग, पैशन डिसाइड करने से पहले और अपना एम्बिशन डिसाइड करने से पहले ये चीज सोचिएगा कि क्या प्रैक्टिकल लाइफ में जाने के बाद ये चीज मेरे हक में बेहतर है। और मैंने हमेशा एक ही बात की, अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी, हमेशा एक दुआ मांगी कि अल्लाह जो मेरे इरादे हैं ना वो मेरे हक में बेहतर है, जो मेरे इरादे हैं वो मेरे हक में बेहतर कर दे, और जो तूने नेमतें दी हैं ना उन सब में बरकत अता, अल्लाह ने दे दी।
तो दीज आर द थिंग्स कि जस्ट थिंक अबाउट योर एम्बिशन. आपके होंगे बेटा, हो सकता 50% ना पूरे हुए हो, लेकिन अगर पूरे ना भी हुए हों तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें. समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई और कुछ ना कुछ रखा हो. ठीक है, अल्लाह ताला ने एक दर बंद होता तो 100 दर खुलते भी. समझ आ गई बात? तो ये है जनाब एम्बिशन. इन मेडिवल टाइम इट वॉज बिलीव दैट बॉडी हैज फोर बॉडीली फ्लड्स, ब्लड, फैलम, कॉलर एंड येलो बाय, मेलनकली और ब्लैक बाय. तो वो कहते थे कि भाई चार तरह के फ्लड्स होते हैं बॉडी के अंदर. एक ब्लड होता है जिसको हम फैलम, कॉलर और येलो बाय, ठीक है, जिसको कॉलर और येलो बाइल कहते हैं. ब्लड होता है, फैलम होता है, येलो बाइल होती है, मेलनकली जिसे ब्लैक बाइल कहते हैं. ये जो हमारे ऊपर गम की कैफियत सारी हो जाती है उसको ब्लैक बाइल कहते हैं. It was then thought to determine emotional and physical disposition. तो ये एक thought थी कि जो determine करती थी emotional और physical disposition को. Collar और yellow bile makes people restless. और ये collar या yellow bile थे ये लोगों को restless बनाते थे, irritable and itching for action. A person bubbling with ambition can hardly lead an unhurried, contented and a relaxed life. Since he sets his eyes high, he will continuously think to do something newer, better and harder. He will knowingly accept challenges and strive to solve them. The more he succeeds, the more he will drive himself to do things which others don't dare to do. Such a person will be a go-getter, a perfectionist and a workaholic. He will be continuously restless with ideas and energy. Naturally, he will find people around him indolent, mediocre, sulking and unworthy. Explanation: if such an ambition man is restrained and not allowed to pursue his goal, he will feel stifled and angry and rebellious. Agar kisi bhi insaan ke kuch ambitions hain aur wo restrained ho jate hain ya usko allow hi nahi kiya jata ki wo pursue kare goal ko, normally ladies ke liye aisa hota hai, to kya hota hai, he will feel stifled, usko लगेगा जैसे मुझे किसी ने भाई क्यों रोका है, एंग्री और रेबेलियस हो जाएगा वो. फाइनली ऑल हिज क्रिएटिव एनर्जी एंड डायनामिज्म विल बी नम्ब्ड एंड वेस्टेड. और उसकी ये डायनामिज्म और ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं तो निकलनी है ना, तो वो क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा तो वो नम्ब्ड हो जाती है और वेस्टेड हो जाती है. ड्यू टू हिज फ्रस्ट्रेशन ही विल डेवलप अ नेगेटिव माइंडसेट. अब क्योंकि उसकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो वो एक नेगेटिव माइंडसेट की तरफ चला जाएगा एंड हॉस्टिलिटी टू अदर पीपल. और उसके अंदर एक हसद पैदा हो जाएगा किसकी तरफ, हर वो बंदा जिसको सपोर्ट मिल रही होगी, जो आगे बढ़ रहा होगा, वो हमेशा अपने आप को उनसे कंपेयर करता रह जाएगा कि देखो वो तो डॉक्टर बन गई, मैं नहीं बन सकती, उसके मियाँ ने उसको डॉक्टर बना दिया, मेरे मियाँ ने डॉक्टर नहीं बना, है ऐसे. और फिर फाइनली क्या होता है, हम डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं. वो डॉक्टर बनी, अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ था, उसके मियाँ ने उसकी किस्मत नहीं लिखी थी, ठीक है, और मैं डॉक्टर नहीं बनी, मेरी किस्मत भी अल्लाह ने लिखी थी और मैं उसमें बड़ी खुश हूँ. समझ आई बात? तो इसको कंटेंटमेंट कहते हैं. लेकिन नॉर्मली ये जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं बेटा, ये बड़ी भारी होती हैं, इनके साथ फाइट करना पड़ता है और ये आती हैं एंड यू हैव टू फाइट विद इट. मैं कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फाइट करना पड़ता है, ठीक है. तो ये सारा कोई, दीज आर द नॉर्मल थिंग्स, ये हमारे बिहेवियर्स हैं, ये हमारे इमोशंस हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिवली बिहेव करते हैं. जैसे हर इंसान के साथ एक गुड एंजल और एक बैड एंजल होता है ना, तो ये इसी तरह है. इफ अ पर्सन विद एम्बिशन बर्निंग विद इन हिम, अगर एक इंसान के अंदर एम्बिशन है और वो उसके अंदर बहुत उसकी मतलब वो बर्न हो रहा है उसके साथ, गेट्स अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू परस्यू हिज गोल्स विद लिटिल हिंड्रेंस, और वो एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट जो है उसको परस्यू करता है अपने गोल को परस्यू करने के लिए विद लिटिल हिंड्रेंस, थोड़े सी हिंड्रेंस के साथ, यानी कि झिझक के साथ. ही विल बी टोटली लॉस्ट इन हिज वर्क. यानी कि अगर तो एक इंसान के अंदर है कि नहीं मैंने एम ए इंग्लिश लिटरेचर करना है और लाजमी करना, उसको कंडक्टिव एनवायरनमेंट भी मिल जाता है अपने गोल के लिए, लेकिन उसके अंदर एक लिटिल हिंड्रेंस है, उसके अंदर हिचकिचाहट है, उसके अंदर डर है, तो वो टोटली अपना वर्क लॉस कर जाएगा. नो इल फीलिंग विल एंटर हिज माइंड, कोई इल फीलिंग उसके माइंड के अंदर एंटर नहीं करेगी. ही विल नॉट हार्म एनीवन, किसी को वो हार्म भी नहीं करेगा.
मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, वो वाकई उनके डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं ना डिफरेंट घरों से, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स खुला पैसा खर्च कर रहे होते हैं उनके पर, इसके बावजूद स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, यानी कि उनके रास्ते में कोई हिंड्रेंस भी नहीं होती फिर भी वो नहीं पढ़ते। ऑन द अदर हैंड क्यों, क्योंकि उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है। ऑन द अदर हैंड इफ द सेम पर्सन इज हेल्ड बैक एंड नॉट अलाउड टू वर्क टूवर्ड्स हिज विजन, लेकिन अगर एक इंसान उसके रास्ते में रुकावट आती है, उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है उसके कि वो अपना विजन अपना गोल कंप्लीट ना कर सके, he will see them frustration and anger. तो वो जो है frustration और anger का शिकार हो जाएगा, driven by his internal discontentment, he will begin to dislike others. और जब उसके अंदर ये internal discontentment होगी तो वो दूसरों को dislike करेगा और perceive everyone as big and hideous. और उसको क्योंकि वो लोगों को dislike करना शुरू कर देता है तो वो हर बंदे को समझता है कि ये विग्ड है, ये बड़ा चलाक है और hideous है। नॉर्मली हम औरतों में ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि हम किसी भी कामयाब औरत को देखते हैं ना, या जो हर किसी की आंखों का तारा होती है, या ऐसी बहू होती है जो किसी आंखों का तारा होती है और हम नहीं होते, तो हम कहते हैं बड़ी चलाक है, देखा सास को हाथों में दिया, तो हमें क्या लगता है शी इज विग्ड और वो मेरी बुराई करके खुद उनके करीब जाने की कोशिश कर रही है। नॉर्मली हमारा ये व्यू होता है जनरली। When something bad happens to his boss, the organization, society, or the government, he will drive some big player out of misfortunes of others. और अगर कुछ bad होता है उसके boss के साथ, उसकी organization के साथ, क्योंकि वो उसकी अपनी perceptions ठीक नहीं है, वो negative, मतलब वो खुद उसके अंदर frustration है, anger है, उसके अंदर मतलब हसद है, तो वो क्या करता है अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा हुआ जी इसके साथ हुआ। कह देते हैं ना हम औरों के बारे में, हम ऐसे ही कहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स के हम इस तरह से लोगों के मिस प्लेजर्स पे, उनके मिस फॉर्च्यून्स के ऊपर हम जो है खुश हो रहे होते हैं। एम्प्लॉयज डेवलपिंग सच नेगेटिव माइंडसेट आर लायबिलिटी टू गवर्नमेंट, और इस तरह के एम्प्लॉयज जो वर्कर्स होते हैं वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो एक लायबिलिटी होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर गवर्नमेंट पे एक बोझ है एंड अ सोसाइटी एज लार्ज। तो ये बेटा जिसने लिखा है ना इसको जरा रेज कर दें, मैं कह रहा स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इट इज देयरफॉर इंपेरेटिव दैट एम्बिशियस पीपल बी गिवन सफिशिएंट फ्रीडम टू लेट देयर क्रिएटिविटी ब्लॉसम, जबकि देयरफॉर इंपेरेटिव जो एम्बिशियस पीपल होते हैं ना वो टू बी गिवन सफिशिएंट फ्रीडम टू लेट देयर क्रिएटिविटी ब्लॉसम। तो जो एम्बिशियस पीपल होते हैं ना वो अपनी इस थोड़ी सी सफिशिएंट फ्रीडम को भी अपनी मतलब लेट करते हैं देयर क्रिएटिविटी ब्लॉसम, कि उनकी क्रिएटिविटी ब्लॉसम करें। हम जैसे लोग जो है हमें थोड़ी सी भी अगर मतलब अगर फॉर एग्जांपल ठीक है सारा दिन मुझे नहीं इजाजत मिलती पढ़ने की, लेकिन अगर एक घंटा भी मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉसम कर देंगे। ठीक है, ऐसे होते हैं लोग एम्बिशियस। वो एक शेर है ना अल्लामा इकबाल का, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ऐसे होते हैं एम्बिशियस पीपल। अगर इधर से टाइम नहीं मिलेगा, इधर से काम नहीं किया उधर से काम कर लिया, उधर से नहीं किया इधर से काम, यार कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक है, बात है सारी टाइम मैनेजमेंट की। अगर शाम को नहीं पढ़ा जा रहा सुबह पढ़ लो, सुबह नहीं पढ़ा जा रहा फजर के टाइम पढ़ लो, फजर के टाइम नहीं पढ़ा जा रहा तहज्जुद पे तो सारे सो रहे हो, अल्लाह की इबादत भी करें और स्टडी भी करें। एंड दिस इज मेड पॉसिबल, इफ दिस इज मेड पॉसिबल द इंडिविजुअल्स विल बी एन एसेट, और ऐसे जो इंडिविजुअल अगर ये ऐसा पॉसिबल हो गया कि एक इंसान को बहुत सफिशिएंट सी फ्रीडम मिलती है और वो अपनी क्रिएटिविटी को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। मैं आपको क्या कहती हूँ बेटा, मुझे बताएं हम टाइम लगा रहे हैं, वेयर इज द प्रोडक्टिविटी, वेयर इज द क्रिएटिविटी, आज मैंने क्या किया है, आज मैंने इस नेशन को क्या दिया, आज मैंने अपने आप को क्या दिया, आज मैंने अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को क्या दिया, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ टुडे। ठीक है, अपने आप से एक सवाल किया करें, आज मैंने कितना टाइम वेस्ट किया और अगर इस टाइम को मैं बचा लेती तो मैं कितने प्रोडक्टिव वर्क्स कर सकती। तो अगर ये पॉसिबल हो जाए तो ऐसे इंडिविजुअल्स कि जी मैंने कितना प्रोड्यूस किया तो वो एक एसेट होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग एसेट होते हैं जिनके एम्स होते हैं, उनके देखिए एम्बिशंस बेटा सबके होते हैं, किसके नहीं होते,
लेकिन एक होता है कि जो उनको इतनी सी भी फ्रीडम मिलती है ना या मौका मिलता है वो उसको अवेल कर जाते हैं, एक होता है मौका मिलने के बावजूद रोते ही रहते हैं, दे विल नॉट बी हॉस्टाइल एंड एंग्री, ना तो वो हॉस्टाइल होते हैं ना वो एंग्री होते हैं, क्यों? रीजन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है. If it is not possible to afford or grant such freedom to an ambitious person, it will be good idea not to employ them at all and invite problem later. अगर ये possible नहीं है कि वो afford करे या grant करे such freedom को अपने ambition के लिए to an ambitious person, will be a good idea. It will be a good idea. ये उस वक्त good idea होगा not to employ them at all and invite problem later. और उसके लिए will be a good idea कि आप उसको employ ना करें, बल्कि प्रॉब्लम को इनवाइट करें बाद में. ठीक है, देखिए बेटा बात है एमए इंग्लिश लिटरेचर की ना, लोगों स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको ना मसला बना लेते हैं, ये मसला नहीं, ये आपका एम्बिशन है, यू हैव टू गो विद इट. ठीक है, एम्बिशन एम्बिशन ही होता है, और आपको चाहे एसेट्स मिले या ना मिले, अगर तो आपके अंदर विल पावर है यू विल डू इट, अगर नहीं है तो जरा सा किसी ने कुछ कहा नहीं आपने सारी किताबें छोड़ के बैठ. ठीक है, तो ये होता है. अब क्या है कि जब आप किसी भी रास्ते पे चलेंगे बेटा मुश्किलात तो आएंगी. ठीक है, अब लाइक मुझे एमए इंग्लिश लिटरेचर करने का बड़ा शौक था कि जी मेरा मास्टर्स और एमए इंग्लिश लिटरेचर करने का. अब यकीन करें घर से सिर्फ 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर था, और उन सर का 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे थे सारा कुछ. मैं गई, मेरी गोद में एक बच्चा था उस वक्त जब मैं उनके पास गई थी. ठीक है, अहमद बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 1.5 साल का होगा, 1.5-2 साल का, जब मैं उधर गई और पार्ट वन के मैंने 3 पेपर दिए हुए थे सिर्फ. तो उन्होंने, मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने एम ए इंग्लिश लिटरेचर को मजाक समझा हुआ है कि आपने खाली 3 पेपर दिए और आप पास हो गए. मैं घर आई और पहले भी वो मैंने एक दो दफ़ा फीमेल ट्यूटर भी हायर करने की कोशिश की, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे, छोटे थे, नहीं हो पा रहा था. घर से निकलना एक बहुत बड़ा मसला है औरत के लिए कि उस घर को पूरा लॉक करो, बच्चों के किसी हवाले करें, ये वो. अब घर में बैठ के देखें आप लोग कितना ईजीली पढ़ रहे हैं. तो ये वो सारी वो कमियाँ थी जो मुझे अपनी ज़िंदगी में लगी, जो मैंने हाउस वाइफ्स को देखने की कोशिश की थी. बट बात सारी फिर क्या हुई कि मैं ट्यूशन भी नहीं गई, लेकिन मैंने विदाउट सप्ली पेपर से क्लियर. ठीक है, मैंने विदाउट सप्ली पेपर भी क्लियर किया, मैंने जो पेपर दिया उसमें फिर सप्ली नहीं. ठीक है, तो दीज आर द थिंग, जहाँ पे आपका एम्बिशन होता है ना वहाँ पे फिर हम एसेट्स नहीं देखते. ईमान वाले लोग जो है ना, मोमिन, वो कभी भी तलवार के साथ नहीं लड़ता, मोमिन ईमान के साथ लड़ता. तो हमारे लिए ईमान ही काफी है जीतने के लिए. इफ दीज एम्बिशियस एम्प्लॉयज कंटिन्यू टू रिमेन डिसग्रंटल्ड, अगर इस तरह के एम्बिशियस एम्प्लॉय को डिसग्रंटल किया जाए, दे माइट ब्रिंग डिस्ग्रेस एंड डाउनफॉल टू देयर एम्प्लॉयर्स, क्योंकि वो बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो आपके एम्प्लॉयर्स के लिए डाउनफॉल का भी बाइस बन सकते हैं और डिस्ग्रेस का. इट इज नाउ रियलाइज दैट देयर इज इनहेरेंट रिस्क इन एम्प्लॉइंग एम्बिशियस मैन, सो अनलेस एसेंशियल दे शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, बट दिस इज नॉट अ रूल रिटन ऑन स्टोन मीनिंग रिजिड. देयर आर सिचुएशंस वेयर एम्बिशियस पीपल शुड बी प्रेफर्ड चॉइस फॉर एंगेजमेंट. While selecting the right person for position of key commanders for the battlefield, existence of ambition in commander designate cannot be qualification. After all, for a man in arms, a contented, laid-back temperament is a huge negative trait. Such a soldier can never fight. Shirking his responsibility, he will run away from the battlefield at the slightest sign of defeat. Dekhiye beta, ek मेरे पास आता स्टूडेंट बड़ा मोटिवेटेड होता है, और मैं उस बेचारे को एम ए इंग्लिश लिटरेचर से इतना डरा दूं कि बेचारा पेपर वाले दिन भी बैठा काम पर हो, तो फिर वो क्या वो फाइट कर सकेगा? क्यों? क्योंकि कमांडर ठीक नहीं था. ओनली अ ब्रेव एम्बिशियस एंड इगोइस्टिक कमांडर कैन कंट्रोल द एनिमी बोल्डली एंड वैनक्विश इट. मैं अपने स्टूडेंट्स को पता क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ यू आर माई आर्मी एंड नाउ यू हैव टू फाइट इन द battlefield of examination hall. ठीक है, मैं उनको कहती हूँ मुझे examination hall है ना, वो आपका battlefield है, and you are my army. उस battlefield से ना किसी ने भागना नहीं है, या गाजी या शहीद. ठीक है, मैं यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बेटा अब नहीं भागेंगे, अब कदम रख लिया है, पीछे नहीं मुड़ के देखना. वो तारिक बिन ज़ियाद था ना, उसने जब समंदर से जिब्राल्टर के ऊपर उसने हमला किया था, तो उसने समंदर से सारी कश्तियां जला दी थी,
कि वापस नहीं भागना, कश्तियां होती तो वो सिपाही वापस भागते ना, उसने कहा था या गाजी या शहीद, ठीक है, कि या तो हम यहाँ से शहीद होंगे या गाजी होंगे, हम कश्तियों से वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने जिब्राल्टर फतह कर दिया। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि एम्बिशियस होते हैं। एम्बिशियस मैन आर ऑल्सो एसेंशियल वे आर सेफ गार्डिंग द पर्सनल सेफ्टी ऑफ द किंग और गवर्नमेंट सीनियर फॉर मोस्ट फंक्शनरीज आर कंसर्न्ड एंड एम्बिशियस मैन मेक रिलायबल एंड astute bodyguard for such responsibilities the guard may have to shed his own life for saving the life of his employer this calls for a spirit of extreme sacrifice on the call of the duty for the person employed as bodyguard nothing is more sacrosanct that the life of the person has to be protected ek aisa person jo ki employ kiya jaye as bodyguard wo nothing is more sacrosanct hai then the life of a person he has to be protected dekhiye aap ek bodyguard ko employ karte hain lekin hifazat phir aapne khud karni hai such single minded dedication to duty is akin to the blindfolded dove a small robust bird soaring high and higher into the sky without bothering to worry about the distance and its limited energy at one stage it gets too exhausted to fly and comes crashing on the ground aur ek stage aisi aati hai कि जब आप ऐसे गार्ड्स नहीं रखते तो फाइनली आप इतना आगे चले जाते हैं फ्लाई करते करते इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आप वापस अपने ग्राउंड पे आते हैं तो एन एम्बिशियस गार्ड कैन मेक सिमिलर सेक्रीफाइस तो ये एम्बिशियस गार्ड जो है वो एक सिमिलर सेक्रीफाइस का काम करता है देखिए बेटा एम्बिशन ज़रूर होने चाहिए लेकिन इतने एग्जॉस्टिंग नहीं होने चाहिए कि एंड में इंसान क्रैश हो जाए Sejanus was a gallant and ambitious warrior who was officiating as the emperor in the Rome. Sejanus discharged royal duties in the absence of real emperor Tiberius, who lived in distant island. At one stage, receiving credible intelligence input, Tiberius began to suspect that Sejanus was. contemplating to usurp power by dethroning and destroying him. Tiberius को ये शक हुआ कि सेजेनस जो है वो शायद उसकी पावर उसको डिथ्रोन करने की कोशिश कर रहा है या उसको मतलब डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है He did not venture or challenge Sejanus frontally. Instead, he resorted to crafty intrigues to create confusion in the minds of Senate members. He managed this subterfuge by sending letters to them with ambitious messages. Sometimes he praised Sejanus in his letter while deriding him in the next letter. In Rome, Sejanus had created enough enemies by his boastful and brash manner. He was brute too. Tiberius plotted with the valiant and ambitious Morpho to kill Sejanus. Tiberius returned to Rome and summoned Sejanus early in the dawn ostensibly to decorate him. Macro seized the opportunity to take control of mounted guards functioning under Sejanus' command till then. After this, he attacked Sejanus and killed him and threw his body unceremoniously to the river. Had an ambitious man like Macro not been there, Tiberius could not have neutralized Sejanus. Hence, kings, generals, and seniors, government leaders need ambitious people around them. Having thus pleaded in favor of engaging ambitious men, Bacon gives an advice of caution. He suggests that such people in the payroll must be kept under a leash, either covertly or overtly. If this is not done, the danger of these men turning against their benefactors and employers is a real possibility. If these ambitious men offering security to the heads of state or king are from the lower sections of the society, they pose lesser danger than those who are from the aristocratic class. If the security personnel are ill-mannered and boorish, they pose less danger to their employers than those who are suave and popular. Similarly, newer recruits are less dangerous than those bloated ones who have been around for a long time. Since they are privy to the affairs of the palace and the court, they might feel tempted to misuse their knowledge to harm their masters. कभी-कभी जो ambitious लोग होते हैं,
वो अपने मास्टर्स के लिए भी बड़े हार्मफुल साबित हो जाते हैं इन ऑल एजेस। वो कहते हैं ना, आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मैं एक दिन उसका पढ़ रही थी, क्या कहते हैं, कासिम अली शाह का लेक्चर सुन रही थी। तो वो कहता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है ना, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट जिसको हम टॉपर कहते हैं, वो कहता है किसी का भी नहीं होता। और जो दरमियाना स्टूडेंट होता है वो, क्योंकि मीडियोकर होता है, वो ज्यादा सिंसियर होता है। और जो सबसे निचले दर्जे का स्टूडेंट होता है ना, वो बस अल्लाह लोग टाइप होता है, उसने हर चीज अल्लाह पे डाल दी होती है, इसलिए उसके साथ अल्लाह होता है। ठीक है, इन ऑल एजेस किंग्स हेड्स ऑफ स्टेट। लेकिन वो ये बात करता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है ना, लाइक एम्बिशियस और इंटेलिजेंट और हद से ज्यादा जैसे कहना टॉपर, वो कहता है वो किसी का भी नहीं होता। वो सिर्फ अपना होता है और वो सिर्फ सक्सेस के पीछे भाग रहा होता है। उसके लिए उसको रास्ते के जितने मोहरे गिराने पड़े वो गिरा। In all ages, kings, heads of states, and men of importance have preferred to employ their known and trusted people to form the security around them and to give them counsel during crisis. और इस वजह से जो king होते हैं, जो head of state होते हैं, या men of importance होते हैं, वो prefer करते हैं ऐसे known और trusted people को employ करने के लिए to form security around them, कि जो उनके security पैदा करें, एंड टू गिव देम काउंसल ड्यूरिंग क्राइसिस, और जो उनको काउंसल कर सकें ड्यूरिंग क्राइसिस। देखिए, बहुत इंटेलिजेंट बंदा किसी की बात नहीं सुनता, ठीक है, लेकिन जो दरमियाना स्टूडेंट होता है ना, वो आपकी बात बड़े गौर से सुन लेता है। तो बाज़ औक़ात जो दरमियाना स्टूडेंट होता है ना, वो ज्यादा मार्क्स ले जाता है एज कम्पेयर टू। अच्छा जी, फिर वो कहता है, सम से दैट दिस इज एन अनसाउंड एंड इम्प्रूडेंट पॉलिसी दैट स्मैक्स ऑफ नेपोटिज्म। As per Bacon, this is a wise policy as it helps to keep unduly pretentious and scheming people reasonably satisfied with clout they enjoy because of their proximity to emperor. Some disgruntled ambitious people can, sorry, ye satisfied with the call out hoga beta, ye call out hai. Call out, यानी कि उनको बुलाते हैं। They enjoy because of their proximity to emperor. Some disgruntled ambitious people can upstage their superiors and employers whom they are duty bound to serve. So keeping them in good humor is a prudent policy. तो उनको एक अच्छी सोच में रखना एक good policy है। बेटा आगे थोड़ा सा ही रह गया कि आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा नहीं काफी सारा, इसको पढ़ लीजिएगा और remaining बेटा जितने भी रह गए ना, वो आज आपके होमवर्क हैं, वो आपने करना है। जो आपको 3 अभी मैंने बताए हैं ना, ऑसिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन है, कल इंशाल्लाह आप लोगों को करवा दूंगी। लेकिन अगर वो भी कल करवाने लगी तो आपके पास पेपर्स रह जाएंगे। अब मुझे